हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज क्रॉस डॉकिंग इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। छोटा सा वीडियो रहेगा तो प्लीज पूरा देखिएगा सो आपको अच्छे से समझ आए। क्रॉस डॉकिंग होता है क्या बेसिकली, कि जो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है वहां पे अनलोड करके आउटबाउंड के लिए लोड करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक, तो इसको बोलते हैं क्रॉस डॉकिंग। सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि क्रॉस डॉकिंग आपका हेल्प करता है एक गुड्स को मार्केट में फास्टली पहुंचाना प्लस मोर इफेक्टिवली पहुंचाना। एक गुड्स को मार्केट तक फास्ट और मोर इफेक्टिवली कैसे पहुंचाया जा सकता है और इसमें आपका विथ कम से कम डैमेज हो, राइट? मतलब डैमेज के चांसेस नहीं होते बट स्टिल कि कम से कम कुछ खराब ना हो, इस चीज़ के लिए फास्ट वे पे कैसे पहुंचाना है। क्रॉस डॉकिंग आपका होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस प्लस आपका कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए। पहले बता चुका हूँ कि मिनिमम डैमेज विथ मिनिमम कॉस्ट और विथ मिनिमम टाइम में कैसे मैनेज करता है, तो इसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा लॉजिस्टिक के यहाँ से। और ये सक्सेसफुल है सिर्फ रिटेल के लिए, रिटेल मार्केट के लिए अगर आप कैप्चर करते हो एक्सपोर्ट बिजनेस में कि रिटेल वालों को कैप्चर करना है, या तो लोकल मार्केट्स के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको क्रॉस डॉकिंग का कॉन्सेप्ट लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, आप अपने CHA की हेल्प ले सकते हो। उसका काम मैक्सिमम उनका काम होता है कि कस्टम क्लियरेंस करवाना, बट दे डू हैव देयर कॉन्टैक्ट्स कि वो करवा सकते हैं। इवन आप लॉजिस्टिक्स वालों को हायर कर सकते हो कि मुझे क्रॉस डॉकिंग करवाना है। इसमें आप मिनिमम अमाउंट के साथ आप जितना पैसा बचाओगे लॉजिस्टिक ने, तो अल्टीमेटली वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ रिटेलर का, लोकल मार्केट के लिए काम आता है क्रॉस डॉकिंग। तो समराइज ये था कि रिटेल मार्केट एंड आपका लोकल मार्केट में मोस्ट इफेक्टिवली कम पैसों में, जल्दी में और कम डैमेज के साथ कैसे पहुंचा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस डॉकिंग। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको लगता है नहीं समझ आया और जानकारी और चाहिए, सो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है में है, प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी और सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।